माहे रमजान के मुकद्दस मौके पर अगर किसी मुस्लिम परिवार के घर में हिंदू मंत्रों की गूंज सुनाई दे तो ये मौका किसी आश्चर्य से कम नहीं कहा जा सकता। ऐसे वक्त में जब देश में हिंदू और मुसलमान के बीच टकराव की खबरें मीडिया में आम हो गई हों, ऐसे वक्त में आजमगढ़ से आई एक खबर ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच की मोहब्बत कितनी मजबूत है। तस्वीरें आजमगढ़ जिले की एक शादी की हैं जिसमें पूरे विधि विधान से रस्मों को पूरा किया जा रहा है, लेकिन जिस स्थान पर यह शादी हो रही है वो एक मुस्लिम परिवार का मकान है जिसके घर में हिंदू बिटिया का मंडप सजा हुआ है। दरअसल आजमगढ़ शहर के अलवल मोहल्ले में रहने वाले राजेश चौरसिया पान की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी बहन शीला के पति की 2 वर्ष पूर्व कोरोना काल में मौत हो गई थी। इसके बाद राजेश ने अपनी भांजी पूजा की शादी करने का जिम्मा संभाला। मुश्किल ये थी कि राजेश के पास रहने के लिए छत के सिवाय कुछ नहीं था। यही नहीं, राजेश की आर्थिक हालत भी ऐसी नहीं थी जिससे वो अपनी भांजी की शादी को धूमधाम से कर सके। इस मुसीबत के वक्त राजेश को उनके घर के बगल में रहने वाले परवेश का सहारा मिला। राजेश ने अपनी भांजी की शादी के लिए मंडप लगाने के लिए इंतजामों की बात कही तो परवेश ने कहा कि वो अपने घर के आंगन में इन रस्मों को पूरा करना चाहते हैं। 22 अप्रैल को सुबह से ही शादी की तैयारियां शुरू हुईं। इसके बाद जौनपुर जिले के मलहनी से आजमगढ़ बारात पहुंची। रमजान की इफ्तारी के बाद परवेश के घर में विवाह की रस्मों को पूरा किया गया। द्वारचार, सिंदूरदान और शादी की रस्मों को रमजान के मुकद्दस महीने में एक मुस्लिम परिवार के घर में पूरे विधि विधान से पूरा किया गया। ये तस्वीरें देश के लिए मिसाल जैसी थी। हमारे घर में ठिकाना नहीं है, यहाँ नैहर है हमारा, ससुराल कार्य गाँव में है, वहाँ से चले आए तो यही भाई के यहाँ शादी करें। भाई मदद किए हैं, ये परवेज भाई पर मदद किए हैं, चैन दिए हैं और जिसे जिसे मांग मांग के अपना शादी किए हैं। इस पूरी शादी में महिलाएं मंगल गीत गाती रहीं जिसमें परवेश के घर की महिलाओं ने भी जमकर हिस्सा लिया। सुबह के वक्त बारात विदा होने लगी तो परवेश ने दूल्हे को अपनी ओर से सोने की चेन दी और दोनों की जिंदगी को खुशहाल होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद बारात वधु को लेकर वापस लौट गई। परवेश की पत्नी ने बताया कि पूजा की माँ बचपन से ही उनके घर में रही हैं और उनके परिवार के सदस्य के रूप में उनका मान सम्मान होता रहा है। इसी जिम्मेदारी के साथ परवेश और उनके परिवार ने पूजा की शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने वर वधु को यह आशीर्वाद दिया कि उनकी आने वाली जिंदगी में तमाम सुख आए। कि लड़की की शादी होने को हुई तो मैंने इनका सब कुछ हर तरीके से साथ दिया और सब कुछ, मेरे घर में मेहमान थे, मेरे घर में सामान था, हर चीज़, रोज़ा के बजाय रोज़ा रहते हुए एक महीने का फिर भी मैंने इनका साथ दिया और हर चीज़ इनके मेरे ही घर से हुआ, हर शादी मेरे घर से हुई, सब विदाई मेरे घर से हुई, सारा सामान मेरे घर से, हर चीज़ मेरे घर की सदस्य हैं। 20 साल से मैं इनको जानती हूँ, हर सुख दुख मैं इनका जानती हूँ और देखी हूँ और ये बहुत परेशान, इनके हस्बैंड जो हैं ये कोरोना में ख़त्म हो गए और ये बहुत परेशान थी और बहुत अच्छी हैं, ये बहुत सीधी हैं, बहुत नेक हैं, इसीलिए हम लोग इनका साथ नहीं छोड़े। परवेश की पत्नी कहती हैं कि रमज़ान के महीने में उन्होंने अपने घर में पूजा कराई, इसका कोई शिकवा नहीं है, असल धर्म इंसानियत का है। हम रोज़ा में और अपने घर पूजा कराए या कुछ कराए, हमको कुछ नहीं, हमको बहुत खुशी है इस बात की। धर्म तो सबका अपना अपना अलग है, तो इसमें गुनाह पाप अपुन क्या क्या बात है, इसमें सब एक हैं हम लोग। आजमगढ़ की इन तस्वीरों ने इस देश में एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम परिवारों के बीच मोहब्बत की एक नई इबारत लिखी है। आजमगढ़ की तस्वीर मिसाल है उन तमाम खबरों के लिए जिनमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच आपसी वैमनस्य दिखता हो। ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में ये परिवार साथ रहते हैं, उतनी ही मोहब्बत से, उतनी ही ऊर्जा के साथ।